तो हमारी जमीन के लिए मर भी जाए तो फिर छोड़ेंगे, मौत भी दे देंगे। जब जमीन से बड़ी मौत भी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद दफन होने के लिए क्या चाहिए, जमीन ही तो चाहिए। अगर आप जलोगे तो जमीन पे ही जलोगे, आसमान में नहीं जल सकते। तो ये चीज है कि ये जमीन के लिए जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग अगर शहीद होना पड़ा तो खुद आएंगे। माँ की एक को खुचड़ी अगर हजार को देनी पड़े तो हम देने को तैयार है। जवाहर जवाहर आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, एक जहर का नारा है, भारत देश हमारा है, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जमीन की लड़ाई का परिणाम है कि जमीन नहीं बचा सकते, ये लोग सब पूंजीपति जमीन लेना चाहते हैं और वो जमीन बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना, उसके लिए ये लोग मतलब कि ये सब पूंजीपति कैपिटलिज्म की साजिश है, ये पूंजीपतियों की साजिश है और धन से सत्ता पे ये लोग कब्जा करके रखे हैं। और वो इस टाइप से ये लोग मतलब कि जिला बदल बाहर करके 2000 गाँव मध्य प्रदेश के लुटना है ताकि हम लोगों को बाद में कुछ भी कह सके। दादा आपको एक दो जिलों से जिला बदर करते तो हम मानते हैं, लेकिन आपको लगभग जहाँ से जमीन जा रही है उन 6 जिलों से जिला बदर करा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बात पे? ऐसे एक्चुअल में है कि ये 6 जिले हैं ना, ये 6 जिलों में कम से कम आदिवासियों का आपका 10,000 हेक्टेयर जमीन जा रही है। आदिवासी का गाँव है इसीलिए आदिवासी, नहीं तो गाँव से बाहर अगर आदिवासी चला जाता तो असामी हो जाता है, और इसीलिए गाँव को कुल मिला के आदिवासी को असामी करके उनको नॉन ट्राइबल मतलब गैर आदिवासी बनाना, और गैर आदिवासी बन गया तो कोई देश के मालिक होने का दर्जा को बैठेगा, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। आप कुल मिला कोई सत्ता होता नहीं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर हमारे समाज की जमीन नहीं जानी चाहिए। एक बीघा से भी जमीन है तो हम इस देश के मालिक है, अन्यथा हम मालिक नहीं रह जाते। वो वाली समस्या को लेकर वही स्कूल पे चलेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, सरकार तेरी ताना चली नहीं चलेगी। ये गाड़ी दादा का जिला बदर, जवाहर दादा बहुत जल्द लौटेंगे। दादा जिला बदर होने पर 2 शब्द बोल के जाना, हम तो हमारी जमीन के लिए मर भी जाए तो थोड़ी छोड़ेंगे, मौत भी दे देंगे। जब जमीन से बड़ी मौत भी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद दफन होने के लिए क्या चाहिए, जमीन ही तो चाहिए। अगर आप जलोगे तो जमीन पे ही जलोगे, आसमान में नहीं जल सकते। तो ये चीज है कि ये जमीन के लिए जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग अगर शहीद होना पड़ा तो खुद आएंगे। माँ की एक को खुचड़ी अगर हजार को देनी पड़े तो हम देने को तैयार है। जवाहर साथियों, आप सभी ने देखा किस तरीके से विलेज सर को जिला बदर कर दिया गया है और एक नहीं 6 जिलों से बाहर हटा दिया गया है। आप समझ सकते हो जिन जिन भी आदिवासी भाइयों की जमीन जा रहे हैं निवेश क्षेत्र अलाना पलाना ढिमका में, उन उन जिलों से सर को पूरी तरीके से जिला बदर कर दिया गया है, वो भी साल भर के। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 107 116 जैसी धाराएं जो भी जो कि 6 महीने पूर्व की लगी हुई थी और उसके बावजूद भी सर को जिला बदर कर दिया गया है। और आप सभी साथियों जानते हो अगर कोई जमीन बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विलेज सर है, बाकी जितने भी हमारे सामाजिक है हालांकि अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तरीके से शोषण करने का भी कार्य कर रहे हैं। कुल मिला के अगर देखो किसने जमीन बचा ली, आप खुद विचार कीजिए। और ये जो जिला बदर हुआ है इसमें सबसे ताज्जुब की बात ये है कुछ कुछ ऐसे भी हैं अपने समाज में या अपने वहाँ पे लोग जिनके 8-8, 10-10, 15-15 कैसे उसके बावजूद भी उनका कोई जिला बदर नहीं हुआ। विलेज सर ने थोड़ा सा सच्चाई की ओर क्या रुख मोड़ा कि इनकी आंखों में खटकने लग गए। आप विचार कीजिएगा साथियों, ये आप खुद सोचिएगा। आज तक जहाँ जहाँ पे भी निवेद क्षेत्र लगा है, जहाँ जहाँ पे भी लगा है, या जो भी अपने समाज के संगठित जो भी समाज के जो वरिष्ठ गण हैं, कहाँ पे किसका नोटिस गया है कि इन्होंने कितनी जमीन बचा ली, आप खुद विचार कीजिएगा। सब अपने अपने राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगे हुए, हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हें अपने सामाजिक लोगों ने ही सर का जिला बदर करवाया, ये बात 100% साफ है। यदि
चलो ठीक है, मैंने माना कि सर ने जो भी क्राइम किया है वो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के जो कलेक्टर महोदय ने ये जो कार्य किया है रतलाम के, मैं सर से पूछना चाहूँगा अगर आप वाकई में सच्चे देशभक्त हैं, आप अपने देश से प्रेम करते हैं, संविधान का पालन करते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हो, तो ये मेरे पास संविधान की बुक है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है साथियों, आर्टिकल 19 के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ने जाऊंगा बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आप शॉर्टकट में समझना। यहाँ पे जो भी शेड्यूल कास्ट एरिया है उसके अंतर्गत कोई भी गैर आदिवासी स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, कोई संगठन नहीं बना सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे किसी भी प्रकार का धंधा नहीं कर सकता है। अगर वाकई में कलेक्टर साहब आप सच्चे हैं, आप संविधान का पालन करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, तो सबसे पहले संविधान का उल्लंघन आपने किया है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत साफ साफ ये सारी चीजें दर्शाई हुई है, और उसके बावजूद भी आज की तारीख में क्या हो रहा है, संविधान का तो पालन करवा ही नहीं रहे हो आप। चलो ठीक है, हमारे गाँव के लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन कलेक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे हो, फिर आप ये सारी चीजें जानते हुए भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट में जो गैर आदिवासी घूम रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो फिर उनको आपने क्यों नहीं भगाया? सबसे पहला अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए तो विलेज सर से पहले कलेक्टर साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर साहब आप शोषण कर रहे हो, इस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया है आपने, जो कि बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और मैं मेरे जितने भी अपने समाज के साथी, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे तमाम प्रकार के और भी संविधान पढ़ो, अपनी ग्राम सभा को मजबूत करो, आपकी पर्सनल साथी तैयार करो, जो अरे सच्चाई को जाना दोस्तों। देखो ये जो भी चीज हुई है, हालांकि जमीन की लड़ाई केवल और केवल विलेज सर ही लड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने समाज में जमीन बचा सके। तो ये एक एडवांस लेवल की साजिश है दोस्तों, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग राजनीति के चक्कर में आपस में लड़ा लड़ा के अन्य कोई तीसरा खीर खा के चला जाए। तो मैं कह रहा हूँ राजनीति को एक थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, हालांकि राजनीति ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट एरिया जो भी है अपने आदिवासियों पे, शेड्यूल कास्ट एरिया में ये चीज़ें अवैध तरीके से हो रही है, तो आप अपनी ग्राम सभा को जागरूक करो और सबको यह संविधान पढ़ाओ। और ऐसे तमाम प्रकार के और भी जजमेंट है, जैसे कि कैलाश बनाम महाराष्ट्र 2011 का जजमेंट है, उसके अनुसार 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा। यदि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा तो वहां पे बन जाता है, लेकिन वही चीज अगर वही कानून बोलता है कि 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, तो ये चीजें मानने में समस्या क्या है? जो है सो है। तो ऐसी तमाम प्रकार की चीजें हैं, और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कब तक अत्याचार सहोगे? एक दो विधायक बना लोगे, सांसद बना लोगे, कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। आप समझो, आप सिस्टम को समझो, और यहाँ पे जो अपनी रूढ़िगत जो ग्राम सभा की जो परंपरा है उसको ये लोग धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, और कलेक्टर साहब की इसमें पूरी पूरी गलती है। सबसे पहला अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो कलेक्टर साहब के ऊपर होनी चाहिए। साथियों, अगर मेरी यह बात और यह जानकारी अच्छी और सच्ची लगी है, तो आप सभी से एक ही दो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सच्चाई का साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। जय बिरसा।